हाय एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस तरीके की असेंबली एलईडी को कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा कौन सा एलईडी कितना वोल्ट का है, क्या ख़राब है, क्या सही है, और जो है इसके बारे में मैं आपको कल के वीडियो में बताया था। अगर नहीं देखे तो इस वीडियो को देख सकते हैं जाके, उसका वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में प्रॉपर मैं यही बताने वाला हूँ कि इस तरीके का जो भी असेंबली एलईडी होता है उसको निकाल के कैसे आपको डाला जाता है, वही तरीका इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ऐसे तो ये चीज़ मैं आपको काफ़ी सारा वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन ये वीडियो जो बना रहा हूँ ये प्रॉपर इसी पे बना रहा हूँ कि इस तरीके के एसएमडी एलईडी को कैसे निकाला जाता है, कैसे डाला जाता है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी हमारा यहाँ पे बोर्ड आप देख रहे हैं, बोर्ड कहे या सर्किट कहे या पीसीबी कहे, कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जितना भी हमारा एलईडी ख़राब है सभी पे मैंने क्या किया है, मार्कर से यहाँ पे मार्क लगा लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं सभी पे मार्क लगा हुआ है। जिस जिस पे मार्क लगा है वो हमारा एसएमडी एलईडी ख़राब है, उसको हमें चेंज करना है, निकालना है यहाँ से, और जो है यहाँ पर दूसरा एलईडी आपको डालना है। तो यहाँ पे जितना भी हमारा यहाँ पे आपको मार्कर से मार्क दिख रहा होगा, ये सभी एलईडी को हमें चेंज करना होगा। देखिए देखिए आप देखिए, ठीक है, और ये जो है इसमें मार्क नहीं है तो ये सही है, इसमें जो है इसमें मार्क नहीं है तो ये सही है, इसमें जो है मार्क नहीं है तो ये सही है। तो यहाँ पे इन सभी में चेंज करने वाला हूँ। तो इसको चेंज करने के लिए हमें चाहिए मोमबत्ती, यहाँ पर देख सकते हैं मोमबत्ती चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो है देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने तीन किस्म का एलईडी लिया हूँ। एक जो है 3 वोल्ट का है, ये जो है 9 वोल्ट का है, और ये जो है 6 वोल्ट का है। ये नया नहीं है, इसको भी मैंने दूसरे पीसीबी से मैंने निकाल के रखा है। ये जो बोर्ड देख सकते हैं इसी तरीके का बोर्ड जो ख़राब हो जाता है, जिसमें मान लीजिए ज़्यादा बल्ब ख़राब हो गया, उसमें कुछ बल्ब सही है, तो उसको मैंने निकाल के यहाँ पे रख लिया हूँ, और ये जो है इससे मैं किसी दूसरे बल्ब को रिपेयर कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो है इसे हम जला देते हैं, और जला के है जो यहाँ से हम निकालेंगे और यहाँ पर दूसरा एलईडी हम डालेंगे। ठीक है, और फिर जो है मैं आपको टेस्ट भी कराऊँगा कि जो है डालने के बाद सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसे जला लेते हैं, देखिए जल गया। उसके बाद में यहाँ पर हम इस पीसीबी को पकड़ेंगे, तो हम हाथ से पकड़ेंगे तो ये जो है हीट होगा ज़्यादा ही, तो इसको पकड़ने के लिए हम इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर हम इसे मेल्ट करेंगे। देखिए, और मेल्ट होके ये आसानी से निकल जाता है। निकल गया, इसे भी निकालना है, ये भी निकल गया, इसके बाद इसे भी निकालना है। ये भी निकल गया, ठीक है। सबसे पहले सभी एलईडी को हम निकाल लेते हैं, जो भी हमारा ख़राब है एलईडी सभी को हम निकाल लेते हैं, और एक जो है यहाँ पे लास्ट बचा हुआ है, तो ये भी हमारा निकल गया। देखिए यहाँ पर जितना भी हमारा निकालना था निकल गया है, यहाँ पर हम रख दे रहे हैं। अब जो है हमें क्या करना है, एलईडी को चेंज करना है। एलईडी तो मैंने निकाल दिया है, अब जो है कौन में कितना वोल्ट का डालना है अब यहाँ पे हमें देखना होगा। ये जो आप देख सकते हैं ब्लैक ब्लैक, तो इसको आप जो है सफ़ा कर सकते हैं, चेंज करने के बाद में सफ़ा कर लेंगे। ये जो है इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, देख सकते हैं ये जो है सफ़ा हो जाता है। देखिए ये जो होता है मेटल होता है, ये मेटल है, तो इस पे ये जो है कैंडल का थोड़ा सा यहाँ पे काला काला ब्लैक पड़ गया था, कोई बात नहीं, हमारा जो है हाथ में भी लग गया, सॉरी। देखिए ये जो है यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है,
3 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पर मैंने टेस्ट किया था। तो कैसे टेस्ट करना है उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, कैसे टेस्ट करना है। वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है 3 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें हम 3 वोल्ट का LED डालेंगे। इसी तरीका से जितना भी हमारा PCB है सभी पे हमने लिख लिया है। तो इसमें हम 9 वोल्ट का डालेंगे, इसमें जो है 9 वोल्ट लिखा हुआ है। डालने का प्रोसेस वही होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसे लगा लेंगे ऐसे, यहाँ पे मैंने इसे लगा लिया। और यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे पेस्ट डालना है, जो भी है यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट डालेंगे। और पेस्ट डालने के बाद यहाँ पे जो भी हमारा LED है उसका माइनस प्लस देख के और जो है लगा लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में जो है यहाँ पे मेल्ट करेंगे तो ये जो है आसानी से यहाँ पे अपने से फिट हो जाएगा। चलिए एक जो है करके दिखा दें और इसी तरीक़े से सब हम लगा लेंगे। यहाँ पे लगाते समय हमें थोड़ा ध्यान देना है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, कैमरा थोड़ा सा नज़दीक करता हूँ। देखिए यहाँ पे ये बड़ा वाला पॉइंट और ये पतला वाला पॉइंट है, तो ये हमारा प्लस होता है और ये माइनस होता है। बहुत सारे LED में ये जो है उल्टा भी होता है, बट यहाँ पे जो है ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे लगाने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पेस्ट लगाएंगे। बहुत से भाई यहाँ पे बोलेंगे कि ये जो है नया भी मिल जाता है मार्केट में, तो इतना करने का ज़रूरत ही नहीं है। हाँ आपका भी बात सही है, यहाँ पे मैं आपको बस बता रहा हूँ कि ऐसे हो जाता है। आपका एक दो अगर LED ख़राब होता है तो वहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। अगर ज़्यादा LED ख़राब है, 2-3 से ज़्यादा LED ख़राब है, तो आप इसे चेंज ही कर दे तो अच्छा होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है हम जो है लगा के आपको दिखाते हैं। तो देखिए इसमें जो है आपको 2 पॉइंट दिख रहा होगा, देखिए इसमें चौड़ा पट्टी और पतला पट्टी। तो पतला हमारा बोलते हैं प्लस होता है और चौड़ा पट्टी माइनस होता है। किसी किसी में आपको जो है उल्टा हो जाता है, ये कभी कभी प्लस भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर में आपको ऐसे ही देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर माइनस का पॉइंट बना हुआ है, देखिए देखिए ये जो है माइनस का पॉइंट बना हुआ है और वहीं यहाँ पर आएगा तो ये वाला तो माइनस होगा ही और ये प्लस होगा। तो यहाँ पर चौड़ा पट्टी है तो ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये जो है प्लस हो जाएगा। तो लगाने का सेम प्रोसेस वही होगा। थोड़ा सा यहाँ पे हम जो है पेस्ट है ये, तो पेस्ट को हम थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे लगा ले रहे हैं ताकि जो है LED प्रॉपर लग सके, ठीक है। चलिए और यहाँ पर हमें लगाना है 9 वोल्ट का, तो हम यहाँ पे 9 वोल्ट LED निकालेंगे। तो ये मेरा जो है 9 वोल्ट का LED इसमें मैंने रखा है, ये जितना है 9 वोल्ट का है। तो यहाँ से हम निकालेंगे और वहाँ पर तीनों हम रख लेंगे और उसके बाद में जो है मेल्ट करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमारा देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने निकाल लिया है और इसका पतला पट्टी और चौड़ा पट्टी देख के यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीक़े से लग जाएगा, ऐसे हो गया। चलिए अब इसको जो है मेल्ट करते हैं और मेल्ट करके ये जो है लगाते हैं। तो यहाँ पर हम इसे पकड़ लेंगे और जो है पारी पारी से मेल्ट करेंगे। चलिए आपको लास्ट में चेक भी कराऊंगा, ये जो हमारा LED है लग रहा है तो क्या सही लगा है या नहीं लगा है, तो आप टेस्ट कराएंगे तो पता हो जाएगा। चलिए ये मेल्ट हो गया, ये लग गया। उसके बाद में इसे देख लेंगे, ये भी लग चुका है। यहाँ पर इसे देख लेंगे, ये भी लग चुका है। यहाँ पे तीनों हमारा LED लग चुका है। चलिए उसके बाद में यहाँ पे जो है यहाँ पे बहुत सारा LED लगाना है। तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट दिख रहा होगा, देखिए सॉरी देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट है और ये सभी है 3-3 वोल्ट का, इसमें LED लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा इतना बड़ा वाला तो 3 वोल्ट में नहीं है, यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। देखिए इसमें जो है बड़ा बड़ा LED लगा हुआ है 3 वोल्ट में, बट यहाँ पर जो है हमारे पास छोटा छोटा LED है 3 वोल्ट में, तो इसको यहाँ पे लगेगा नहीं।
और लग भी जाएगा तो यहाँ पे हमें एक जम्पर देना होगा, क्योंकि इस दोनों पॉइंट पे हम लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, तो इन दोनों पॉइंट को सहारा लेके हम इसको जो है लगा सकते हैं, और यहाँ से यहाँ एक जम्पर देना होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें समय लगेगा। चलिए जी इसे हम लगा के और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जितना भी एलईडी का है जम्पर मैंने लगा दिया है, देख सकते हैं जितना भी एलईडी मैंने चेंज किया था सभी का जम्पर मैंने लगा दिया है। चलिए अब यहाँ पर हम थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं हमारा जो ये काम हुआ है क्या प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए सभी को हम इधर साइड में करते हैं। यहाँ पर ये हो गया, ये सही मैंने चेंज किया है देखिए, और इसको जो है मैं बाद में चेंज कर लूँगा क्योंकि इसमें थोड़ा समय लगेगा, जम्पर भी देना और यहाँ पे लगाना भी है। चलिए इसमें मैंने लाइन दिया, ये मेरा माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो यहाँ पर ये वाला प्लस है ये वाला माइनस है। देखिए देखिए जल रहा है पूरा प्रॉपर, देख सकते हैं सभी एलईडी जल रहा है, देखिए प्रॉपर है। चलिए साइड करते हैं, इसके बाद में इसे हम लगाते हैं, यहाँ पे प्लस है इधर माइनस है, देखिए सभी एलईडी वर्क कर रहा है, देख सकते हैं सही प्रॉपर जल रहा है। चलिए इसे भी साइड करते हैं, यहाँ पर देखिए तो इसमें कौन सा है, ये वाला माइनस है ये वाला प्लस है, तो यहाँ पर माइनस जाएगा ये वाला प्लस जाएगा। देखिए यहाँ पर कोई एलईडी लग रहा है सही से लगा नहीं है, या जो है खराबी एलईडी लग गया है ऐसा कुछ लग रहा है। यहाँ पे ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये वाला जल रहा है, ये अच्छा से लगा नहीं है, ये जो एलईडी है यहाँ पे सही से नहीं लगा है इसलिए जो ऐसा कर रहा है। यहाँ पर हम अगर अच्छा से मेल्ट कर देंगे तो ये शायद सही हो जाएगा, ये जो सही है, बट यहाँ पर देखिए अभी सही हो गया क्योंकि अभी जो है मेरा प्रॉब सही से लग गया है। यहाँ पर हम चेक करें तो ये मेरा माइनस हो गया, ये प्लस, देखिए ये जो है सही से अभी मतलब नहीं लगाया, इसको थोड़ा मेल्ट करना पड़ेगा, मैं इससे थोड़ा दबाया हूँ तो ये जो है अभी सही हो गया। देखिए देखिए फिर से अभी लिप जिप करने लगा, ये जो एलईडी है इसको मेल्ट करना पड़ेगा, चलिए इसे बाद में मेल्ट कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए यहाँ पे ये मेरा माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, देखिए सभी एलईडी वर्क कर रहा है, देख सकते हैं सही प्रॉपर जल रहा है। तो इस तरीक़े से जो है आप किसी भी एलईडी को जो है चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये प्रेफर नहीं करूँगा कि ज़्यादा इसमें एलईडी हो तो आप चेंज करें, यहाँ पे ज़्यादा एलईडी था मैंने चेंज किया आपको दिखाने के लिए। अगर यहाँ पे एक दो एलईडी आपका ख़राब होता है तो इसे चेंज कर सकते हैं, अगर आपका ज़्यादा एलईडी है तो इसको पूरा ही इस पीसीबी को ही चेंज कर दीजिए। तो चलिए आज के फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और जो है वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद वंदे मातरम। हाँ थोड़ा ये ख़राब हो गया पर क्या करें, आपको दिखाना होता है। बाय।